गाइस एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ आपको। 30,000 AD मतलब कितने हो गए यार? 7 लाख। 7 लाख का चलाना है अगर आपने एक रेड लाइट जंप कर दी तो। सच में 7 लाख। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। यार आजकल जैसे ही कैमरा ऑन होता है ना, मेरी एक्साइटमेंट लेवल ना और अप हो जाती है कि हाँ यार, मेरे साथ साथ मेरे भाई लोग भी देख रहे हैं इस वीडियो को। सो आज टाइम हो गया है, 6 बज चुके हैं। अगेन यार, दिन में दुबई घूमने का है ही नहीं भाई, इतनी गर्मी थी ना। आज हम टाइम से उठ गए थे, 12 बजे उठ गए थे, बट बहुत सारे काम थे, दो चीज़ ऑर्डर करनी थी, कुछ गैजेट्स भी लेने, और नवीन भाई को, नवीन दुबई को गोल्ड भी लेना है। एक चैन बनवा रहे हैं भाई और एक एप्पल वॉच बनवा रहे हैं गोल्ड की, है ना नवीन? यस यस ब्रो, यस। तो वहाँ भी जाना है हमें, काफी लेट हो गए हम, बट कोई बात नहीं यार, व्लॉग अपलोड करना बहुत जरूरी था। वैसे ही हम इतनी पीछे चल रहे हैं यार व्लॉग में, मतलब क्या ही बोलूं मैं। इंस्टा तो अपना बढ़िया ग्रो हो रहा है, बट हम यूट्यूब पे ध्यान ही नहीं दे पा रहे, पर उसके लिए सॉरी है। अब टाइम से ब्लॉग आएंगे, मैंने बढ़िया ब्लॉग एडिट कर दिए हैं 2-3। जब भी आप ये ब्लॉग देख रहे होंगे, उससे पहले का रूटीन अपना ठीक मेंटेन होगा यूट्यूब का। पहले हम अपने यूट्यूब के लिए कुछ गैजेट्स लेंगे, ताकि आप लोग और मोटिवेट हो और मुझे भी मोटिवेशन मिले आप लोगों के कमेंट वगैरह से। इसलिए मैंने प्लान करा है, वहाँ जाके दिखाऊंगा आपको हम क्या लेने वाले हैं, बट उस चीज़ से हमारी वीडियो की क्वालिटी और आप लोगों को देखने का मज़ा मतलब एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएगा। चलते हैं फटाफट यहाँ से, शाम हो चुकी है। यही वेदर होता है भाई यहाँ पे निकलने का, क्योंकि दिन में आप लोग नहीं निकल सकते भाई, बहुत ज़्यादा गर्मी है। अगर आपको दिन में घूमना है ना दुबई, तो आपको आना पड़ेगा दिसंबर में या जनवरी में, स्टार्टिंग में बिल्कुल, जब इंडिया में अपना बढ़िया ठंड होती है। कल हमने एक चीज़ बुक करी थी, बट अभी हमने उनको कॉल करा है कि यार अगर वो चीज़ 9 तारीख की हो जाए तो, क्योंकि हमें 9 तारीख को, कल हमारा स्टे है वर्ल्ड के टॉलेस्ट होटल में जवेरा में, तो इसलिए जो हम कल बुक करने गए थे ना, उसको हम थोड़ा पोस्टपोन चाह रहे हैं कि वो 9 तारीख को हो जाए, तो उसका मैं आपको बता दूंगा, लेट यू नो। सो गाइस, होटल से नीचे हम आ चुके हैं, और आते ही कुछ ऐसी चीज़ दिख जाती है ना, मैंने बोला था ना यार पहले ब्लॉग में, टॉय वर्ल्ड में आ चुके हैं हम। ये देखो रेंगलर यार, ये गाड़ी इंडिया में हो तो क्या ही तबाही मचा दे। इसका साइज देखना यार, हैवी गाड़ी सच में भाई, बहुत हैवी। इंडिया में ये गाड़ी हो ना, बवाल मचा दे। एंड गाइस जस्ट चेक दिस, यहाँ पर पता है रोड के नीचे ना, तो यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी स्काईलाइन, बस स्काईलाइन के साथ ना यहाँ पे ये नीचे सुपर मार्केट्स हैं, जहाँ पे सब्वे वगैरह और सब कुछ है। तो ये बहुत अच्छी और एक यूनिक चीज़ है, इंडिया में भी होनी चाहिए, इससे अपनी प्रॉपर्टी भी बचेगी और चीज़ें ज़्यादा खुल जाएंगी। यार कल तो टैक्सी 2 मिनट में आ गई थी, और अभी हमें यहाँ पे 5 मिनट हो गए हैं खड़े खड़े, टैक्सी नहीं आके दे रही है, बट सामने रॉयल्स रॉयल्स आ गई। यार क्या हो जाता है, जैसे ही मैं वीडियो ऑन करता हूँ ना, वैसे ही कुछ ना कुछ आ ही जाता है। अब आ जाए फटाफट, यहाँ पे अकॉर्ड दिखाऊँ मैं तुम्हें कैसी है, ऐसी अकॉर्ड है। और हाँ गाइस, यहाँ पे अपनी वरना भी है, मैंने देखी, ब्लैक कलर की भी देखी और वाइट कलर की भी देखी। यार गाइस क्या हो गया भाई, कल के ब्लॉग में नजर लगा दिया गया तुमने, 2 मिनट में टैक्सी आ जाती है दुबई में। यार इतनी देर हो गई है, टैक्सी नहीं आके दे रही है, सिर्फ 2 पॉइंट समथिंग किलोमीटर है जहाँ पे हमें जाना है, मतलब लाइक 20 dirhams, मतलब 450 रुपये हो गए इंडियन करेंसी में। पूरा यहाँ से 15 मिनट के लिए पहले मेट्रो के पाथ पे जाना पड़ेगा, फिर उस पर ऊपर चढ़ के फिर रोड क्रॉस होएगा। 12 बजे के बाद तो वो भी नहीं कर सकते तुम लोग यहाँ पर, अपना भाई टैक्सी ही करना। तो गाइस अपनी वरना, और इसका नाम यहाँ पे है एसेंट। नहीं है अभी, यार दिमाग खराब कर रहा है, कैब ही नहीं आके दे रही आज, बट सामने ही आ रहे, देख लो तुम। चले क्या आगे, वेट कर सकते हैं। चले कितना वेट करे भाई, गाड़ियां देखने के लिए। कल जो भाई मिला था ना हमें पाकिस्तानी, मतलब उन्होंने जो बात करी और जैसे मैंने यहाँ पे बिहेव देखा लोगों का, वो बिल्कुल सही था। पर अभी पता है हमारे साथ क्या प्रैंक हुआ, हमारे साथ अभी ना एक फॉरनर खड़ी थी, तो नवीन गया इस कैब वाले के पास, तो नवीन ने बोला आप फ्री हो, तो बोलते नहीं मेरी बुकिंग है, और जैसे अभी वो फॉरनर गई ना 2 मिनट बाद, तो उसको इसने पिकअप कर लिया। और ऐसा नहीं है यहाँ पे सिर्फ सुपर कार्स है, मतलब नॉर्मल कार भी यहाँ पे बहुत है भाई, क्योंकि गरीब और अमीर हर जगह होते हैं, बट यहाँ पे ऐसा है कि हाँ अगर 10 एक्सपेंसिव गाड़ियाँ चल रही है ना, तो उसमें आपको एक ही थोड़ा मतलब नॉर्मल बंदा दिखेगा। वेट करने से कोई फ़ायदा नहीं है, इससे बढ़िया मेन रोड पर ही चल लेते हैं। ये यहाँ पे ना मतलब बहुत अलग अलग वो बना रखे हैं यहाँ पे क्लस्टर्स, तो क्लस्टर वी, क्लस्टर सी, तो हमारा क्लस्टर वी है। गाड़ी देख लो, वाह यार एक नंबर भाई, कब होंगे हम ऐसे।
ये चीज मैं इनको अभी बता रहा था गाइस, तुमने एक चीज नोटिस करी, यहाँ के बंदे इतने डिसेंट है ना, उसने देख लिया था कि मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, बट उसने ना भगाई नहीं, सच में उसने भगाई नहीं यार, मतलब बिल्कुल स्लोली लेके गया वो। हमारे इंडियन होते ना तो गुंग 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 यूं ही ठोक भी देते डिवाइडर में। है अपना क्लस्टर छोड़ के मेन रोड पे, तो यहाँ से देखते हैं कोई कैब वाला हमें पिक करता है या नहीं, लेट्स सी। क्योंकि यहाँ पे मेन रोड पे मेरे को लगता नहीं है कि ऐसे ट्रांसपोर्ट रुकने की परमिशन होगी, क्योंकि सब कैब वाले ना क्लस्टर में ही आते हैं पिक करने के लिए पब्लिक को। कैब नहीं आ रही भाई, हमारे क्लस्टर में ही नहीं जा रही कोई कैब। हम जस्ट यहाँ पे खड़े हैं बिल्कुल सामने की, जैसे ही कैब आएगी उसी को कैच कर लेंगे हम, क्योंकि वहाँ पे पहले इतनी भीड़ है, बट कुछ आ ही नहीं रहा है। वहाँ पे तो कोई कैब रुकनी नहीं है, क्योंकि पहली बात तो हमारे क्लस्टर में कोई कैब ही नहीं आ रही, और अगर जो आएगी भी तो वो पहले ड्रॉप करने आएगी, दिमाग लगाओ थोड़ा सा, है ना। तो इसलिए मैं वापस जा रहा हूँ, 20 मिनट तो हमें यही हो गए, मिनट से ज्यादा हो गए, इससे बढ़िया तो हम पैदल ही चले जाते। आते ही मिल गई थी, दो सेकंड भी नहीं लगे कल तो, दो सेकंड भी नहीं लगे। गाइस फाइनली हमें रीजन, सो गाइस फाइनली हमें रीजन पता चल गया है कि यहाँ पे कैब क्यों नहीं आ रही है ऐसे कल की तरह, क्योंकि यहाँ पे इस टाइम पे ना ये थोड़ा ऑफिस टाइम हो जाता है, तो यहाँ पे रेट भी हाई हो जाते हैं और लोग भी फ्री नहीं हो पाते हैं। 60 AD, बट हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, अब कैब बुक ही करनी पड़ेगी। 60 AD इज लाइक 1000 rupees इन इंडियन करेंसी, 1000 rupees हो गए भाई, कोई बात नहीं कर इसको बुक कर। ऐसा नहीं है, हम वेट कर रहे हैं यहाँ पे, उस साइड एक बंदी खड़ी है तब से हमारे साथ 20 मिनट से, और इधर भी दो कपल खड़े हैं, वो भी जब से ऐसे हाथ दे रहे हैं, टैक्सी आ रही है और चली जा रही है, पता नहीं क्यों पिक नहीं कर रही है, सिर्फ ड्रॉप करने आ रही है। फाइनली हमें कैब मिल चुकी है भाई, इतना टाइम वेस्ट हो गया ना, 20-25 मिनट वेस्ट हो गई हमारी यहीं, और ट्रैफिक भी बहुत है रोडों पर। तो कोई लगता होगा दुबई में तो कोई ट्रैफिक ही नहीं, इतने बड़े बड़े रोड है, यहाँ भी सेम एज लाइक दिल्ली भाई, यहाँ पे भी पूरा ट्रैफिक लग जाता है जब हाइप टाइम होता है ना ऑफिस एंड ऑल। गाइस एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ आपको, 30,000 AD मतलब कितने हो गए यार, 7,00,000। 7,00,000 का चलाना है अगर आपने एक रेड लाइट जंप कर दी तो, सच में 7,00,000। आप दुबई ट्राम जो है ना, ये जो चल रही है जी, उसके साथ एक्सीडेंट करेंगे ना गाड़ी का, फिर ये फाइन है। अच्छा, अगर रेड सिग्नल ट्राम वाला एक क्रॉस करेगी ना, टैक्सी करेगी, कोई भी गाड़ी करेगी जी, उसका ज्यादा से ज्यादा 5,000 फाइन है। 5,000 भी बहुत होते हैं, मतलब 5,000 हो गए 1.5 लाख, 1-1.5 लाख के बीच में। अगर ट्राम के सिग्नल पे आप पैदल चल रहे हैं, आप नहीं रोक रहे, आपका जो वो सिग्नल है पैदल वाला वो रेड है, दूसरी तरफ शुरता खड़ा होगा, कोई भी खड़ा होगा ना पुलिस वाला, वो आपके जो है ना पताका उसके ऊपर 1,000 dirham का फाइन मारेगा। सो गाइस फाइनली हम दुबई मरीना मॉल के सामने आ चुके हैं यार, इतना ट्रैफिक था ना, ये देखो पहले ये ट्रैफिक, फिर उस साइड का ट्रैफिक, सारा ट्रैफिक आज ही कवर कर लिया हमने। और इस ट्रैफिक में पता है हमने कौन कौन सी गाड़ी देख ली, मैकलेरन, जी वैगन, फरारी, लैम्बोर्गिनी, दो लैम्बोर्गिनी येलो एंड ब्लैक, भाई अंदर जाते ही पता नहीं क्या क्या देखने को मिलने वाला है, लेट्स सी। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, सो स्टे ट्यून्ड गाइस।